2019 में महागठबंधन की कोशिश के लिए राहुल गांधी ने कल सियासी इफ्तार पार्टी दी। राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली इफ्तार पार्टी थी। दिल्ली के एक फाइव स्टार होटल में कांग्रेस की इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। कांग्रेस की तरफ से दो साल बाद इफ्तार पार्टी दी गई थी। मकसद था इफ्तार के बहाने 2019 में महागठबंधन की संभावनाओं को और मजबूत करना। लेकिन इस पार्टी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं आई। हालांकि उनकी तरफ से सांसद दिनेश त्रिवेदी इफ्तार में शामिल हुए। इसके अलावा इफ्तार पार्टी में समाजवादी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी कोई बड़ा नेता नजर नहीं आया। इफ्तार में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी शामिल हुए। प्रणब मुखर्जी के संघ के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद प्रणब और राहुल की ये पहली मुलाकात थी। अवाम चाहती है हम साथ हों, संविधान बनाम संघ के विधान की लड़ाई में अवाम चाहती है संविधान महफूज रहे, इसलिए ये गठबंधन है, ये पीपल्स ऑल्टरनेटिव है। मैं लोग चाहते हैं कि मोदी जी से छुटकारा मिले लोगों को, देश के लोगों को, तो उसके लिए एक एक जो सबसे सही रास्ता और आगे का रास्ता है कि देश को इस सरकार से मुक्ति दिलाने के लिए हम लाइक माइंडेड पीपल को और पार्टीज को साथ करके चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। नकवी की इफ्तार पार्टी में ट्रिपल तलाक पीड़ित महिलाओं को बुलाया गया। मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस इफ्तार पार्टी कर रही है, कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी कर रही है। हमारा ये जो इफ्तार है ये सामाजिक न्याय का इफ्तार है।